ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडमी टेक शो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी वाई टू के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और प्राइस के बारे में, उसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले Redmi Y2 के स्पेसिफिकेशन में नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा 2.2 एंड 2.4 अपर्चर के साथ में, और बैक में ही हमें मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, और बैक में मिलेगा हमें मेटल का पैनल। दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों फ्रंट साइड में। तो फ्रंट में हमें इसमें मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा 2.2 अपर्चर के साथ में, और डिस्प्ले मिलेगी 5.99 इंच की HD प्लस की 89 रेशो के साथ में, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन होगा 720x1440 का दोस्तों, और हमें इसमें फेस अनलॉक की सुविधा भी मिल जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं रैम स्टोरेज की दोस्तों। तो इसमें हमें दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे, 3GB प्लस 32GB, 4GB प्लस 64GB का। 3GB 32GB का प्राइस होगा दोस्तों लगभग 10,000 के आसपास, और 4GB 64GB का प्राइस होगा 12,000 के आसपास दोस्तों। और इसमें हमें 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा MIUI 9.5 के साथ में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसेसर की। तो इसमें हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर, जो आपको रेडमी नोट 4 और रेडमी नोट 5 में भी देखने के लिए मिल चुका है। और दोस्तों, ये 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक करता है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इसमें हमें बैटरी मिलेगी 3080mAh की बैटरी, जिसमें हमें कोई फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलेगी दोस्तों। तो फाइनली यही स्पेसिफिकेशन इस बार मिलने वाले हैं आपको रेडमी वाई टू में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की। तो ये 7 जून को इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और लीक्स एंड रूमर्स की माने तो जो चाइना में फ़ोन लॉन्च हुआ था रेडमी एस टू के नाम से, यही फ़ोन इंडिया में रेडमी वाई टू के नाम से आ सकता है दोस्तों। एक खबर और भी आ रही है, 7 जून को एक और अपना सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन लॉन्च कर सकता है शॉमी, जिसका नाम है मी ए टू, जो चाइना में मी 6X के नाम से लॉन्च हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली आपको रेडमी वाई टू में ऐसा क्या पसंद आया जिसकी वजह से आप इसको बाय करना पसंद करेंगे और उसका इंतजार करना पसंद करेंगे दोस्तों? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना, और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों से शेयर करना ना भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।